हेलो जी, राम राम जी। कैसे आप सब? आशा करते हैं सब ठीक होंगे। और आप सभी को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मम्मी यहाँ पे कर रही है गेहूं साफ आटा पिसवाने के लिए। अच्छे से साफ करके गट्टे में भर दिया है। और ये यहाँ पे धुले कपड़े हैं, अब इन्हें समेट लेंगे। इस कमरे में खिड़की नहीं है तो यहाँ पे अंधेरा रहता है। और कपड़े हमने समेट लिए हैं। और जी सुबह के थोड़े बहुत काम ख़त्म हो गए हैं और अभी मिलेंगे थोड़ी देर बाद खाना वाना खा के। और खाना खाने से पहले हम बनाएंगे पास्ता। और पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पानी रख दिया गर्म होने के लिए। पहले पास्ते उबालेंगे। इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे, इससे पास्ता चिपकेगा नहीं। पास्ता बनाने के लिए मैंने दो आलू लिए हैं, ब्रिक ब्रिक काट लिए इनको, और तीन प्याज, एक टमाटर है और दो तीन हरी मिर्च। देखिए पास्ता अच्छे से उबल गया है। और यहाँ पे रख दी गई है कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल दिया है तेल। उबले हुए पास्ते को ठंडे पानी से दो तीन बार अच्छे से धो लिए हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, डाल दी है। प्याज और हरी मिर्च को फ्राई कर लेंगे
और फिर हम डालेंगे इसमें टमाटर और आलू। और अब डालेंगे मसाले, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर। धनिया पाउडर और लास्ट में नमक। और अब डाल देंगे आलू। और सभी मसाले को अच्छी तरह पका लेंगे। आलू, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च अच्छे से पक गए हैं। अब उबले हुए पास्ता डालेंगे। देखिए पास्ता का कितना अच्छा कलर आया है। और ये है मैगी वाला मसाला, पास्ता में भी डाल सकते हैं। पास्ता हो गया है अच्छे से तैयार। और यहाँ पे सभी के लिए पास्ता लग गया है और आप भी खा लीजिए। सबसे पहले आप टेस्ट करके बताइए कि पास्ता कैसा बना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में।